यशोमती मैया के नंदलाला। मैं तो बस आमंत्रण देने आया था महाराज कंस का। वत्स मूर्ख, सूचना देने में विलंब कर दिया। जैसा ही कह रहे थे, कान्हा बड़ा हो रहा है। अपने बाबा के साथ तो फिर भी बाहर आता जाता रहेगा। मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाए गुजे, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। बालक कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मां की आवश्यकता तो सदैव बनी ही रहती, पर अपने बाबा को तो बिल्कुल ही भूल जाए गुजे। कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। कान्हा, अभी तो मध्य रात्रि भी ना हुई, भोर होने में समय है। लल्ला सो जा, सो जा, अभी सो जा, आ जा, सो जा। मैया भोर हो गई, भोर हो गई। अभी भोर ना हुई लल्ला, सुबह हो जाने दे, मैं स्वयं तुझे उठाऊंगी। अभी सो जा, आ जा। कान्हा, कान्हा, क्या हो गया सुधा? ना स्वयं सो रो है, ना सोने दे रो है। भोरो, जी बाहर कब गयो? और जी क्या कर रो है? देखो जी कैसे सो रहे है। सो तो ऐसे रहो है जैसे श्री नारायण शेषनाग की सैया पर सो रहे हो। यशोदा, भीतर आइए देव ऋषि। नारद, आप तो मेरे परम भक्त हैं। इसलिए इस सभा में प्रवेश करने के लिए आपको किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। नारायण हरि, श्री नारायण हरि।
आइए देवराज, आपका और अन्य सभी देवताओं का वैकुंठ में स्वागत है। पुत्र कार्तिकेय, आओ। पुत्र कार्तिकेय, खड़े क्यों हो? बैठो ना। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र ब्रह्मा, बात विलंब के आने में। जे तो ब्रह्मा जी को भी पुत्र बुला रहे हैं, जे स्वयं को समझ क्या रहा है? भगवान श्री हरि नारायण, हम उनकी सभा में हैं यशोदा। हम बड़े सौभाग्यशाली है। लल्ला तो स्वप्न देख ही रहे हैं, उसके बाबा भी स्वप्न देखने लगे, वो भी खड़े खड़े। आइए सखा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब कौन आ गया? महादेव। बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपको साक्षात महादेव आते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ और सखा, आप यहाँ विराजिए। लो, ये तो सच्ची में स्वप्न देखने लग गए। देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं। अब बस बहुत होगा, मैं इसे लेके आती हूँ, ना तुझे पूरी रात बड़बड़ाता रहेगा और ना जाने किन किन को बुलाता रहेगा। आप कैसे हैं सखा? जिसके बाबा नंद जैसे शान, धीर गंभीर, चतुर और धैर्यवान हो। और मैया यशोदा जैसी है, ढेर सारी चिंता करने वाली, बहुत सारे ध्यान रखने वाली, प्रेम करने वाली। उस बालक से अधिक सुखी और कौन होगा इस जग में? सुनी आपने, कान्हा हमसे कितना प्रेम करता है, जे तो नींद में भी हमारी प्रशंसा कर रहा है। और मैं जे चिंता कर रही थी कि कहीं जे हमें भूल ना जाए और इसका प्रेम मेरे लिए कम ना हो जाए। ये ही चिंता तो मुझे सता रही थी कि जे हमें कहीं भूल ना जाए, पर इसने तो त्रिदेवों के सामने भरी सभा का भाग बना दियो हमें। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी मैया सच्ची में अनोखी है, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। इसलिए तो मैं इस धरती पर उनका पुत्र बनकर आया हूँ। उंगलियाँ है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, ¡Gracias!
जग पाला। प्यार करता है तू अपनी मैया से? भोर हो गई मैया। अभी भोर कहाँ हुई है लल्ला? हम्म, और तू यहाँ बाहर आके क्यों सो गा? भीतर बार बार उठकर आप दोनों को सोने नहीं दे रहा था ना मैं, इसलिए यहाँ आके सो गो, ताकि झरोके से सूर्य देव की किरणें सबसे पहले मुझ पे पड़े और मैं झट से उठ जाऊँ। तो इसके लिए तुझे यहाँ आके अपने मैया बाबा से दूर सोने की आवश्यकता ना है लल्ला। भोर होते ही मैं तुझे उठा दूंगी। हम्म, चले। अच्छा चल। वैकुंठ सभा के दर्शन करा के हमें उसका भाग बना के बहुत अद्भुत अनुभव दियो है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण। अभी भोर ना हुई लल्ला। हो गई मैया। आपने तो कही थी भोर होते ही मुझे उठा दोगे आप, पर आप फिर भी ना उठ रही। उन्हें पूरी रात सोने कहाँ दियो है? अच्छा अब तो उठ जाओ, शीघ्र तैयार कर दो मुझे। सारी गांव मैया भी भूखे होगी, प्रतीक्षा करी होगी मेरी। बछड़े उछल कूद कर रहे होंगे मैया। कान्हा, तेरी मैया तुझे पलक झपकते तैयार कर देगी, है ना? हम्म, और नहीं तो क्या? जिगराता करो ना मैया। आज से बाहर चला जाएगा जी, पूरा दिन मुझसे दूर रहेगा। कई सब जन मुझसे पहले तैयार होके ना आ जाए। सब जन? हाँ, सारी गैया, सारे बछड़े, पंछी, काका, दाऊ सब। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। अब आप शीघ्र उठो मैया, तब तक मैं जाके दाँत तोल करती हूँ। उसके पांव थोड़ी ना होते हैं कि चली जाएगी, यही कहीं होगी ना काना, देख। यही रखी थी मैया, पर अब बहुत ध्यान से देख लियो, कहीं ना मिली। हाँ तो ठीक है, बंसी भैया से कह के बाहर से मंगवा दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता ना है यशोदा, मेरे पास ढेर सारे दातुन है, जेले। क्यों मेरी योजना बिगाड़ रहे हैं जी? मैया शीघ्र स्नान करा दो। पर जल तो अभी बहुत ठंडा है। हुँ? बाहर से लकड़ी लाने पड़ेगी, चूल्हा जलाना पड़ेगा, इस समय तो बहुत समय लगेगा। कोई समय ना लगेगा, यह रही लकड़ियां। आजा काना। मैं विलंब करना चाहती हूँ,
ताकि कान्हा गौचारण के लिए ना जाए, बिना रोके ही उसे रोक पाऊं, ताकि तनिक और समय मिल जाए मुझे अपने लल्ला के साथ। पर जे है कि सारी योजना ही चौपट कर रहे हैं मेरी। तेरी सारी वस्तुएं इधर उधर क्यों हो रही है आज? देख यहीं कहीं होगो। यशोदा तुम खड़ी क्यों हो? जाकर संदूक से नया निकाल दो। हाँ हाँ अभी निकालती हूँ। सुनो जी, चाबी कल से मिली नहीं रही, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। मैया मुझे विलंब होगा तो ताऊ जी ताऊ को अकेले भेज देंगे गौचारण के लिए। हाँ हाँ ढूंढ रही हूँ चाबी, रुक देखो। यहाँ भी ना है, कहीं बुहारते समय बाहर तो ना गिर गई। जे तो रही, जे क्या है? तुमने अभी अभी यहाँ देखो। हाँ तो हड़बड़ी में ना दिखा होगा। लल्ला ये लेकर जा और नया पाठक निकाल ले। जा यशोदा। तुम जानबूझकर विलंब कर रही हो ना? मैं तो बस इतना चाहती थी कि लल्ला के साथ थोड़ा समय और बिता लूं। यशोदा मैं तुम्हारे मन की भावना, तुम्हारी ममता को अच्छे से समझता हूं, पर अब समय आ गया जब तुम्हारे भीतर की मैया को जय निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने बालक का सहायक बनना है, उसका मार्गदर्शक बनना है, या उसकी प्रगति में बाधक। विचार वश कर। इस बार उस विष्णु अवतार के मार्ग में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा मैं, ऐसा विघ्न खड़ा करूंगा उसके सामने कि इस बार उसकी होगी हार और मैं बनूंगा काल जय। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप? गायों और बछड़ों के प्रति कृष्ण के प्रेम का लाभ कैसे उठाएंगे आप? प्रतीक्षा दुर्जन प्रतीक्षा, सब अपने आप पता चल जाएगा जब वो आएगा। वो कौन महाराज? वो बछड़ा, ये अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये महाराज कंस का महल है, कोई चरणा स्थान नहीं है मूर्ख। लगता है बुरा मान गया। देखो कैसे शिला की भांति बीच मार्ग पर खड़ा है, निर्बुद्धि कहीं का। अभी मार के भगाता हूँ इसे। इतना सामर्थ है तुझमें कि मुझे भगा पाए? ये किसने बोला? सावधान हो जाओ। अरे अंदर कहां चला रहा है? भाग यहां से। किसने किया ये दुस्साहस? देखिए तो महाराज कितना प्यारा और भूला भाला लग रहा है ये।
प्रहरियों की ऐसी दशा कैसे कर सकता है ये? दुष्ट के लिए दुष्टता और छलिए के लिए छल आवश्यक होता है। आप दोनों के ही तरह इसका हर शत्रु इसके भोले भाले आकर्षक स्वरूप से मोहित होकर अपने प्राण गवा देता है। हाँ महारानियों, यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, यही है वत्सासुर। वत्सासुर For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.